क्लीनिंग वर्क स्टार्ट। अरे कोई और चलाओ यार, सुपरवाइजर मशीन क्यों चलाएगा। अच्छा ट्राई, ठीक है भाई, तू आजा भाई। फ्लोर गंदा हो गया है तो क्लीनिंग होगी भी, इसलिए मशीन चल रही है। ये देख, ये ऐसे करो, फिर इसको निकालो, फिर इसको फ्लोर क्लीनिंग वर्क। ये मतलब पाइप पाइप और ये किनारे, ये किनारे सूखेगा नहीं, ठीक है। किनारे पे हो गया, दांत पकड़ो, दांत पकड़ो, फिर यहाँ पे दांत कर लिए, फिर इसके किनारे। ये स्क्रूबिंग मशीन ही है और वैक्यूम मशीन ही है। क्लीनिंग होने के बाद ये शैम्पू फेंकता है और उसके बाद ये सेक्शन मशीन वैक्यूम मशीन से उठाया जाएगा। ये ट्रेनिंग रूम है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यही हमारी ट्रेनिंग होती है। बहुत अच्छा हो रहा है यार, इस टैंक के अंदर केमिकल है, केमिकल है वाटर और 1.3 लीटर वाटर में, ठीक है, 300 ml मिला हुआ है, 5 लीटर पानी में 300 ml, 5 लीटर आगे रखो इसको, वैक्यूम का आगे बढ़ाओ, क्लीनिंग हो रही ना, आगे आगे कर लो, आगे वैक्यूम का आगे करो। अब ये जो है इसको अंदर तो ये हवा नहीं लेगा, ये अगर खुला रहेगा तो पानी फेंकेगा नहीं, और ये बंद हो गया। अब ऑन करो मशीन को, वाटर प्लग बंद करो, ऑन करो, ऑन है वो, ऑन है, नहीं सही से लगा नहीं, सही से लगा नहीं, सही से लगाओ उसको, चल गया, चल गया। अब इसकी सीधा ये देखो, ये लंदे फोन रख दो, मशीन पे ध्यान दो।
आज संडे है ना, तो क्लीनिंग वर्क के स्टार्ट हो गया। कल भी 2 अक्टूबर है तो छुट्टी है, इसलिए आज ये सुखाने के लिए एसी चलाए जाएंगे सिर्फ ब्लोअर मोड पे। ओनली एसी है, हवा फेंकेंगे, कूलिंग नहीं, हीटिंग नहीं, ओनली ब्लोअर मोड, एयर ब्लोअर। सुपरवाइजर ट्रेनिंग देते हुए बंदे को, इस मशीन के आगे वाइपर होता है, तो वाइपर से खींचते हैं और सेक्शन करवाती है। ब्लोअर के इसमें मोटर है, इस टैंक के अंदर जो है ना पानी है, पानी सेक्शन करके इस टैंक के अंदर, मशीन के टैंक के अंदर से स्टोरेज हो जाता है, फिर इसको खाली कर दिया जाता है। ऐसा करके ये पूरे फ्लोर की टोटल एरिया की क्लीनिंग होगी और वैक्यूम चलेगा। कंप्लीट काम होने के बाद ये जो भी एसी लगे हैं, ये सारे एसी सारी रात ओनली ब्लोअर मोड पे काम करेंगे, हवा फेंकेंगे, ना ही वो हीटिंग हवा होगी और ना ही वो कूलिंग होगी, ओनली सिर्फ हवा ब्लोअर मोड पे। एसी ये कूलिंग हीटिंग दोनों मोड के हैं, तो ये सिर्फ है ना ब्लोअर मोड पे सारी रात चलाएंगे, सुबह इन्हें बंद कर दिया जाएगा। कारपेट को सुखाने का तरीका बस यही होता है कि इन्हें नॉर्मल हवा की ज़रूरत होती है, बाकी पानी तो खींच लिया जाएगा वैक्यूम मशीन से। वो मीटिंग रूम है, ट्रेनिंग रूम, और ये हमारा बैठने के लिए इधर एरिया है, गेस्ट रूम। ये कम से कम 150 गज में है, अभी क्लीनिंग इसकी हो चुकी है। ये चेयर्स हैं, ऐसे सीन्स देखने के लिए फॉलो ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।